जय हिंद, वेलकम टू गर्ल्स टू लर्निंग। और आज हम लोग करंट अफेयर टुडे की एक नई श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। आपको बता दें कि आज की डेट हमारी 8 अप्रैल 2022 है और आज के दिन ही ये सूचकांक के ऊपर परिचर्चा जारी है। अभी कुछ दिनों में इसके पूरे सूचकांक जारी कर दिए जाएंगे। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको लेकर के ये सूचकांक जारी करने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उन सभी बातों की परिचर्चा आज हम लोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के माध्यम से करने वाले हैं। तो नीति आयोग 11 अप्रैल को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी करेगा। तो इसकी जो तारीख रखी गई है वो 11 अप्रैल रखी गई है 2022, और नीति आयोग 11 अप्रैल को 2022 को राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट जारी करेगा। यह भी चीज जानिए कि जो हमारी 11 अप्रैल को आ रही है वो राउंड फर्स्ट की जारी होगी। सूचकांक नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जारी करेंगे, और इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के सारस्वत तथा सीईओ अमिताभ कांत व विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव ऊर्जा क्षेत्र के हितधारक भी उपस्थित रहेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी इस सूचकांक में, ये जो सूचकांक जारी किया जा रहा है, इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, तो राज्य ऊर्जा तथा जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट का उद्देश्य 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग करना है। मतलब ये जो राउंड फर्स्ट आएगा इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग दी जाएगी ऊर्जा के मामले में, कि कितनी ऊर्जा की खपत है, कितना ज्यादा दोहन किया जा रहा है, या कौन सा राज्य आगे है, कौन सा पीछे है, केंद्र शासित प्रदेशों की क्या सूचियां हैं और किन श्रेणी में आ रहे हैं, उन सभी की परिचर्चा यहां पे की जाएगी। तो ये 6 मानक होंगे, वो कौन से ऐसे 6 मानक होंगे जहां पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग प्रदान करना है। इन मानकों में जो पहला है, बिजली वितरण कंपनियां का कार्य प्रदर्शन। तो यहां पे ये पहली चीज होगी कि जो विद्युत आपूर्ति की बात की जाती है उसको लेकर इन चरणों में शामिल किया गया है। मतलब फर्स्ट राउंड में हमारे इन मानकों में पहला है हमारा बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम का कार्य प्रदर्शन। दूसरा है ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता और विश्वसनीयता, यह हमारा भी इस फर्स्ट राउंड का दूसरा चरण है। और तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा पहल, की ऊर्जा को लेकर के कौन कौन सी ऐसी बातें की जा रही हैं, किन ऊर्जा का उपभोग बढ़ाया जाए, किन के ऊपर आधारिता कम की जाए और किसको आगे ले जाया जाए, उसकी परिचर्चा भी यहां होगी। और इसी फर्स्ट राउंड में चौथा है ऊर्जा दक्षता, मतलब कौन सा राज्य इतना संपन्न है कि अपने यहां की ऊर्जा आपूर्ति को तो पूर्त करता ही है, साथ ही साथ अपने पड़ोसी राज्यों और मुल्कों को भी सुविधा मुहैया करा रहा है, वो भी यहां पे गिना जाएगा। पांचवा है पर्यावरण निरंतरता। पर्यावरण निरंतरता का मतलब ये हो गया कि किसी भी तरह से अगर ऊर्जा का दोहन किया जा रहा है तो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, किसी भी तरह का पोल्यूशन ना फैले, या किसी भी तरह से जलवायु प्रदूषण की जो बात होती है, या जल प्रदूषण की बात होती है, या मृदा प्रदूषण की जो बात होती है, इनमें कमी लाई जाए और कम समय में कम खर्चे में अच्छी ऊर्जा लोगों को आपूर्ति की जाए, इसकी बात की जा रही है। इसी क्रम में आखिरी बात करते हैं, जो छठवां है हमारा, नई पहले शामिल है, और इन मानकों में 27 संकेतक शामिल किए गए हैं। अगर हम राउंड अप फर्स्ट की बात करते हैं कि अंकों के परिणाम के आधार पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों, जिसे कि हम फ्रंट रनर्स कह सकते हैं, अचीवर्स कह सकते हैं, तथा एस्पिरेंट्स में वर्गीकृत किया जाएगा। ये हमारा बहुत अच्छा है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये हमारा एस्पिरेंट्स थर्ड हो गया। तो इसी में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को वर्गीकृत किया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सूचकांक बहुत अच्छे से जानिए का उपयोग करके अपने मानक की तुलना समकक्षों से करेंगे, बेहतर नीति व्यवस्था विकसित करने की संभावित चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे, और आपने ऊर्जा संसाधनों का दक्षतापूर्ण प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये
ऊर्जा सूचकांक को लेकर के की जा रही है। तो आज की जो बैठक में है वो ये चीजें आई हैं कि अभी ऊर्जा सूचकांक को लेकर के 11 अप्रैल को ये ऊर्जा सूचकांक जारी किया जाएगा, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 मानकों पर खरा उतरना पड़ेगा। वो कौन कौन से राउंड हैं उनकी परिचर्चा आपको बता दी गई है, और इन्हीं परिचर्चाओं के आधार पर, इन्हीं मानकों के आधार पर ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। तो जो ऊर्जा सूचकांक है इससे यह पता चल जाएगा कि कौन से राज्य कितने सक्षम हैं और कौन से राज्य अभी उतने सक्षम नहीं बन पाए हैं या दूसरे पर आधारित ज्यादा है, और इन तरह की बातों को आगे ले जाने के लिए इस ऊर्जा संरक्षण प्रोग्राम को समय समय पर बढ़ाने के लिए एक वादा और दावा प्रथम या ये कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो आज करंट अफेयर्स टुडे की श्रृंखला में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए अगस्त लर्निंग की तरफ से जय हिंद जय भारत।